गर्मी से परेशान होकर सभी जीव जंतु जहां ठंडी जगह मिल रही है वहीं आसरा ले रहे हैं। कुछ दिन पहले कोरबा जिला से एक मामला सामने आया था जिसमें बच्चे की जूता के अंदर कोबरा सांप फन फैलाए बैठा था। वहीं कोरबा से दूसरा मामला आया है जिसमें एक जहरीला सांप वॉशिंग मशीन के अंदर में घुस गया था जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। जानकारी के अनुसार राजकुमार नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है जहां सुबह 7 बजे 6 फीट लंबा सांप देखते ही देखते घर में प्रवेश किया और वॉशिंग मशीन के अंदर घुस गया। डर से घर में अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद जितेंद्र सारथी नामक व्यक्ति पहुंचा, पूरे वॉशिंग मशीन को खोला और सांप को बाहर निकाला। वॉशिंग मशीन काफी दिनों से बंद पड़ा था जिस वजह से चूहे अंदर में घर बना लिए थे। शायद इसकी खुशबू की वजह से 6 फीट लंबा सांप चूहे की शिकार के लिए वॉशिंग मशीन में घुसा होगा। कुछ दिन बाद प्रदेश में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे समय में जमीन में रेंगने वाले जहरीले सांप बिच्छू इंसानों के घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए व्यक्तियों को सावधान रहने की जरूरत है। रेस्क्यू करने वाले जितेंद्र सारथी ने बताया, दिन रात हमारी टीम रेस्क्यू का काम करती है। किसी भी सिचुएशन में रेस्क्यू के लिए 8817534455 मोबाइल नंबर जारी किया गया है जिसमें जहरीले सांप जीव जंतु या रेस्क्यू की आवश्यकता होने पर मदद मांगी जा सकती है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।